तो हेलो बच्चों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओके, तो चलिए, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आप पार्ट वन देख के आओगे। ठीक है, हमने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एक साथ पूरा करना बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, इसलिए हमने दो पार्ट में करना कोशिश किया। ऐसे भी आप ज्यादा लेक्चर देखते नहीं हो, पूरा नहीं देखते हो, आप लोग का एक प्रॉब्लम है। दो क्वेश्चन देखे बस, बंद करके वीडियो होशियार बन गए, हो गया, बोलते हैं आगे आओ। नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है? इसीलिए हमने दो पार्ट किया। देखो, हम तुम्हारे लिए कितना सोचते हैं यार, तुम भी थोड़ा सीरियस रहो ना। कुछ बच्चे सीरियस है, कुछ बच्चे सीरियस नहीं है, तो हम बार बार उनसे अपील करते हैं, प्लीज बी सीरियस एंड फोकस ऑन योर स्टडी, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर। सिर्फ आप रिजल्ट के लिए मत पढ़ो, अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा पढ़ो, ठीक है? ईमानदारी से पढ़ो। ओके, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट होता है, तो हम लोग चालू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन हमने करा दिया है और ये 17 से चालू हो रहा है। तो 17 क्वेश्चन है, सेक का वैल्यू दिया है, प्रूव दैट सेक प्लस टैन इतना होना। दो दो आंसर चाहिए। इसमें कुछ बच्चे मिस्टेक करते तो एक ही आंसर आता, दूसरा नहीं आता। तो ध्यान से देखो, सबको आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अगर आपको सेक दिया और टैन पूछा तो क्या करोगे, आइडेंटिटी लगाना, क्योंकि सेक और टैन का रिश्ता है। सबको पता है आइडेंटिटी क्या होता है, बताओ। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको सेक दिया है और टैन चाहिए, सिर्फ टैन, तो 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी आइडेंटिटी में सेक का वैल्यू रखने से टैन आता है, देखेंगे कैसे। टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके बच्चों, अब इसको स्प्लिट अप कर दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 2ab की प्लस 2ab प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। तो एक्स से एक्स कट गया, माइनस 1 भी है, और ये 2 से 4 कट गया। ध्यान से समझना है एक चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² प्लस 1/2 माइनस 1। थोड़ा ध्यान से देखना, ये तीनों मिलके क्या बना, a प्लस b का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लो, a स्क्वायर b स्क्वायर ये 2ab है, 2ab हाफ ही है, क्यों, हम अपने मन से इसमें 2 और x मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं जो समझ रहा है। देखो, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab, यहाँ पे प्लस 2ab है, तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये बात फील हुआ ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, 1 में से हाफ गया, सबको पता होगा हाफ माइनस 1, थोड़ा हम डायरेक्ट करने वाले इसलिए इधर बता रहे हैं। 2 1 जा 2 1 माइनस 2 बाई 2 कितना आ रहा है बताओ, -1/2। यानी इसको सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² और ये -1/2। अब आगे सभी बच्चों का हम सहमति चाहते हैं, सभी बच्चों का हम ही चाहते हैं, हाँ सर। अब बताओ, अगर ये तीनों मिलके a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है तो ये तीनों मिलके क्या बनेगा, सोचो। a प्लस बी होल स्क्वायर ये तीनों मिलके बना है ना, दिख रहा है ना, ये स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको काट के हम ऐसा लिखे, यानी ये तीनों मिलके ऐसा बना, तो ये मिलके क्या बनेगा, सब लोग समझ गया होगा क्या बनेगा, बताओ। ये बनेगा a माइनस बी, बी कौन है, यही बी होगा, समझ रहा है ना। इसको 1/4 लिखने की जरूरत नहीं, अगर तुमको समझ रहा है थोड़ा डायरेक्ट स्टेप करो, चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हमको समझ रहा है a है x और b है 1/4x का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत होगा तो बता देगा। ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा, हमको तो टेन चाहिए वहां पे सेक प्लस टेन के लिए। अब बताओ, टेन स्क्वायर है तो इधर टेन के लिए रूट कर देंगे, ध्यान से देखेंगे, यहां से टेन थीटा निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा जगह अंडर रूट एक्स माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से एक्स नीचे है, एक्स डिनोमिनेटर में, सॉरी सॉरी ध्यान देंगे, तो एक्स नीचे है, यह आ जाएगा ऐसा। अब यहीं पे गलती होती है तुमसे, तो एक ही आंसर आएगा। किसी भी चीज का अंडर रूट करे, ये आप सीखे होगा, अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, जी नहीं, प्लस माइनस 2, याद रखना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, प्लस माइनस 2, मतलब प्लस भी आता है माइनस भी, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है बच्चों। तो रूट से कभी भी कोई नंबर बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, एक प्लस भी और एक माइनस भी, इसका आंसर आएगा प्लस माइनस एक्स माइनस 1/4x। ये आ गया टेन का वैल्यू और ये रहा आपका सेक का वैल्यू। अब सेक प्लस टेन ये मिटा दे, आइडेंटिटी समझ गया कौन सा लगा है, जी। अब हम लोग को चाहिए सेक प्लस टेन, चलो निकालते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक का वैल्यू एक ही है, एक्स प्लस 1/4x, टेन का वैल्यू 2 है, तो एक बार प्लस वाला यूज करो,
तो प्लस एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स, इसमें क्या होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स कितना आ गया आंसर बताओ 2x। अब अगली बार क्या करेंगे माइनस वाला रखेंगे तो एक और वैल्यू आएगा, देखो x प्लस वन बाई फोर एक्स ये sec का वैल्यू है, माइनस के साथ रखना तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि माइनस आया तो साइन चेंज होगा। अब ये x प्लस वन बाई फोर एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स, ठीक है बच्चों। अब ये x से x कट गया, अब बताओ 1 बाई फोर एक्स और 1 बाई फोर एक्स को ऐड करना है, ऐड करो एलसीएम कितना हो गया बताओ 4x, ऊपर 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आंसर आया 1 बाई 2x, ये भी आ गया ये भी आ गया, ओके समझ में आ गया कहां मिस्टेक होता है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे तो एक ही आंसर आएगा, ओके बच्चों। तो आसान लगा होगा सवाल, इस सवाल को फील करो पैटर्न को, तो सेक दिया और सेक प्लस टैन पूछा, हो सकता है दूसरा सवाल इसमें बनाए कॉट दे तो कॉट प्लस कोसेक पूछे, साइन दे तो साइन प्लस कॉस पूछे, क्लियर हो गया। जिन दो लोगों में आइडेंटिटी का रिश्ता है उसमें एक दे करके दूसरा वो पूछ सकते हैं, मतलब उन दोनों का सम या डिफरेंस कुछ भी, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलो ये क्वेश्चन एकदम आसान है कोई भी कर सकता है, ये दो फ्रैक्शन है और ऐसा आंसर चाहिए तो सीधी सी बात है डिनोमिनेटर अलग है तो क्रॉस क्रॉस करेंगे, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, तो करो देखो ध्यान से देखो a माइनस बी तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, LHS है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहां बीच में प्लस है ये इधर चला गया, ये भी चीज दो बार हो गया तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओके बच्चों। नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, सबको पता होगा क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ओके। अब ऊपर वाले को तोड़ दो फॉर्मूले पे आंसर पा लो, चलो तोड़ देते हैं हम यहां पे, तोड़े क्या चलता है a माइनस बी होल स्क्वायर, बताओ क्या आएगा a का स्क्वायर, सॉरी ये साइन है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है, माइनस है तो माइनस टू ए बी माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस ये वाला प्लस, फिर इसको तोड़ो नीचे लिखते हैं जगह नहीं है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें क्या आएगा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइडेड को थोड़ा सा फील करो इसको और इसको मिलाओ, इसमें है साइन और कॉस, इसमें हमको सिर्फ साइन चाहिए यानी कॉस को हटाना है, तो कॉस को कैसे हटाओगे आइडेंटिटी याद करो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना वन, हमको अगर इसको हटाना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो यानी कॉस स्क्वायर के जगह लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस कॉस स्क्वायर को हटा दो यहां से, क्यों हटा दो यहां देखो सिर्फ साइन चाहिए तो साइन स्क्वायर को रहने दो माइनस साइन रहने दो, कॉस स्क्वायर की जगह लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे यहां माइनस है तो वन माइनस कितना बच्चों बताओ, कॉस हटेगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर ही आएगा, साइन हटेगा तो कॉस स्क्वायर आएगा। अब देखो ये ऊपर वाला ये कितना हो गया वन, ये कितना हो गया वन और ये हो गया कैंसल, दिख रहा है क्या प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, अब तुमको दिख रहा है ऊपर न्यूमिनेटर में वन आया इसके बदले और प्लस इसके जगह फिर वन आया, समझ रहा है वो वाला प्लस साइन है, देखो दिस ये वन फिर प्लस ये वन और ये तो कट गया। नीचे देखो नीचे ब्रैकेट ओपन करो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस वन टू अपॉन साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो प्रूफ हो गया बहुत आसान है, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा कुछ नहीं करना था, हमको लगता है सारे लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, पता है क्यों, क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ आपके, ध्यान से समझो इसको कैसे करते हैं, देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है ये एक और प्रूफ ये करना है। अब कुछ लोग सोच रहा होगा कि इसमें एक्स और वाई का वैल्यू डाल के वन लाना है, जी हाँ सोच सही रहे हो लेकिन एक्स और वाई निकालोगे कैसे, कुछ लोग क्या करता है ज्यादा दिमाग लगाता है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे इधर डिवाइड करके एक्स का वैल्यू निकाल लो उसमें रखो, तो ऐसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ध्यान से समझो इसलिए हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस का चीज है। देखो कैसे करो, एक बार एक्स के जगह एक्स साइन थीटा के जगह पर ये डालो, एक बार वाई साइन थीटा कॉस के जगह पर ये, मतलब एक बार इसको पुट करो एक बार इसको, देखो हम करके दिखाते हैं क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो एक्स साइन थीटा अलग से इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इसको कुछ मत करो इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करो पुट करो, देखो ध्यान से पुट
एक्स साइन थीटा के जगह पर रख दो वाई कॉस थीटा, यहां पे रख दो, यहां पे आ जाएगा वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद आसान, अब कॉमन लो, तो इसमें भी y cos है, इसमें भी y और cos, यहाँ पे तीन बार है, हमको एक ही बार कॉमन लेना है, तो ले लो एक बार y और एक बार cos थीटा बाहर ले लो। यहाँ क्या बचा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये y तो बाहर चला गया, ये cos भी बाहर चला गया, तो क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये कितना हो जाएगा वन, तो y cos थीटा मल्टीप्लाई वन इक्वल टू साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये cos इधर डिवाइड में आएगा, ऐसे भी काट सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा। तो y का वैल्यू कितना आ गया साइन थीटा, तो हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब जो काम यहां पे एक बार पुट की x के लिए, अब y में करो वही काम, y में करो, समझ में आ रहा है ना। एक बार हम इसके जगह पर ये, एक बार इसके जगह पर ये, देखो कैसे, देखो कैसे, अब इसको फिर से तोड़ो, इसको अब तोड़ो, तो x साइन क्यूब थीटा प्लस इसको तोड़ दो ऐसा y cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू cos थीटा। ओके बच्चों, अब ये देखो y cos है, इसके जगह पर ये पुट कर देंगे, पुट y cos थीटा इक्वल टू x साइन थीटा। चलो तो यहां पे क्या दिख रहा है, x साइन क्यूब थीटा प्लस y cos हटा के क्या डाल दो, x साइन थीटा डाल दो, और फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू cos थीटा, जैसा कि इधर वैसा करना है, कॉमन लो, x साइन थीटा कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर ये वन हो जाएगा, ये वन हो गया इक्वल टू साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये कट गया साइन से साइन, एक्स का वैल्यू कॉस थीटा, कितना अच्छा हो गया, एक्स आ गया कॉस, वाई आ गया साइन, तो वन तो आएगा ही, वन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, अब करो वो एलएचएस छाप लो वहां से, प्रूफ करने वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका एलएचएस है, इसमें एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या डाल दो कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, वाई का वैल्यू कितना आया था साइन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना वन। तो अगर आप ऐसे करे होंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर आप दूसरा कुछ कर रहे हो तो थोड़ा भारी हो सकता है, ठीक है, तो ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आपको आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी कौन सा है, तो यहां पे लग रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का आइडेंटिटी, याद होगा ना, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या फॉर्मूला होता है, यहां प्लस है तो प्लस से चालू करो, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके, और ए क्यू माइनस बी क्यू होगा तो a माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है बच्चों, इसको यूज कर दो, सवाल हो गया खत्म, ये है आपका LHS, इसको तोड़ो वो फॉर्मूले पे, तो क्या तोड़ेंगे, a प्लस बी यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट, फिर ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस हम तोड़े हैं, अपॉन में है cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब देखो ऊपर नीचे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो सेम है कट, प्लस अब इसको भी तोड़ो वैसे a माइनस बी यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, फिर आगे क्या आएगा बताओ, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और प्लस ए बी यानी cos थीटा इंटू साइन थीटा, ओके बच्चो, और नीचे क्या है बताओ, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, तो ये और ये सेम हो गया, फिर कट गया, अब देखो ये कितना होता है बताओ, ये कितना होगा वन, तो लिखो वन माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन है, फिर इधर क्या बचा, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, वन प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, डिनोमिनेटर में वन है, कुछ भी नहीं है, ये और ये कट, तो वन प्लस वन कितना टू, क्या बात है, कितना आसान है, ओके, चलो अगला क्वेश्चन, देखो ऐसा सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन था आपके इसी असाइनमेंट में, बस अंतर यह था कि वो साइन कॉस में था, आप इस पैटर्न को फील करो, देखो साइन और कॉस का आइडेंटिटी है तो एक क्वेश्चन उस पर बना सकते हैं हम, कॉट का कोसेक के साथ आइडेंटिटी है तो बना दिया क्वेश्चन, सेक और कॉट में बना सकते हैं, ऐसे सवालों को करने का क्या ट्रिक है हम आपको बताए होंगे, स्क्वायरिंग,
क्या करना होता है, स्क्वायरिंग, जरूर बताया होंगे हम। तो चलो इसको पकड़ के स्क्वायरिंग करो, वहां तक आ जाएंगे हम लोग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। चलो यहीं पे करके दिखाएं क्या चलता ना, एक स्टेप बचा लेंगे हम। यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, आप अगले स्टेप में करना। अब इसको तोड़ो, ए स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, या रूट टू का क्या हो जाएगा, टू कॉट स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी टू ए बी छूट गया, माइनस टू ए बी यानी टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इधर का समझ में आ गया, और इधर का क्या होगा, टू कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ कोई दिक्कत नहीं इतने में, ये ट्रिक हम सिखाऊंगे। देखो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमको चाहिए a प्लस बी, तो इस 2ab को इधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि माइनस 2ab होगा तो a माइनस बी आएगा, ये 2ab अगर प्लस हो जाएगा तो a प्लस बी आएगा, इसको इधर ट्रांसफर, और कॉट को करेंगे ट्रांसफर, क्यों, दो कॉट में से एक कॉट माइनस, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुम इसको करोगे तो माइनस कोसेक हो जाएगा, फिर वो फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस नहीं होना चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को छोड़ दो यार इधर बस, और इसको उधर लेके चले जाओ, तो टू कॉट स्क्वायर थीटा ये उधर चला गया, इसके साथ में लिख लेते हैं इसके जैसा है, तो माइनस कॉट स्क्वायर इसको लेके चले जाए, प्लस टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखे होगे तो ये बिल्कुल सेम लगेगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और यहां गया कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो इसके बाद हम स्टार भी लगवाए होंगे, ये देखो ये ए स्क्वायर जम गया, ये प्लस टू ए बी जम गया, किसका इंतजार है, बी स्क्वायर का, तो क्या इसको इधर ट्रांसफर कर दे, नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर में प्लस होना, अगर ये चला गया तो माइनस हो जाएगा इसके सामने, तो अपने मन से ऐड कर लो, ऐड क्या, ऐड कोसेक स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों तरफ कोसेक स्क्वायर थीटा डाल लो, देखो इधर तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर भी उधर भी, फिर ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, यही मेन स्टेप है, अपने मन से दोनों तरफ बी स्क्वायर नहीं था लगा लिए, समझ रहा है, ये दो बार था, एक बार माइनस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस अब तो सवाल खत्म, कोसेक स्क्वायर टू कोसेक स्क्वायर थीटा, अब ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो रूट बन जाएगा, रूट में से प्लस माइनस आएगा, माइनस वाले को छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में आंसर नहीं है, तो इसका मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे, अब इसका रूट निकलेगा बाहर, कितना आ गया आंसर, छोड़ दे कर लोगे, क्या आएगा रूट टू कोसेक स्क्वायर, बाहर क्या आ जाएगा कोसेक इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, क्या बात है, हो गया बन गया, आसान लगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं सब, मतलब एक बार बनाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों को। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी आया है बोर्ड में, ठीक है, जो जो हम बोल रहे हैं ध्यान सुनना। देखो मेरे असाइनमेंट में एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन, आरडी शर्मा एनसीईआरटी ऐसे में हम ऑलरेडी करा चुके होते हैं, और प्रीवियस ईयर, तीन चीजें जरूर मिलेगी। अब देखो क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, बट हमको इतना समझ में आ रहा है पी स्क्वायर समथिंग कुछ है, सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आया तो क्या किया जाता है, साइन कॉस में बनाया जाता है, चलो करते हैं। तो कोसेक को क्या लिखेंगे, वन अपॉन साइन थीटा, पता होगा कोसेक साइन का उल्टा होता है, कॉट क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू पी, अब यहां से एलसीएम ले लेंगे, साइन एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, ये है पी का वैल्यू, बट वी वॉन्ट पी स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करते हैं भाई, इतना तो समझ ही रहा है कि हमको पी स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायरिंग दोनों तरफ, तो वन प्लस कॉस थीटा का मतलब होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ ऐसे, तो ऐसा स्क्वायर और इधर पी स्क्वायर, अब इसको वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रहने देना, इसको तोड़ना मत, कटेगा अभी, नीचे देखो ये टेक्निक सीख लेना, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको तोड़ना क्योंकि ये कटता है, याद रखना, देखो कैसे यहां पे काम मिलेगा जो तुमको बार बार कहीं कहीं मिल ही जाता है साइन कॉस में, कभी भी ऐसा वन प्लस कॉस हो वन माइनस कॉस ऊपर हो नीचे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, इसको तोड़ देना आइडेंटिटी पे, क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, देखो तो बच्चों जमा क्या,
जमाना, समझा क्या? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते हैं या 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, एक ही बात है। इसको हम इतना लिख देंगे। अब इसको तोड़ देते आइडेंटिटी पे, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये तोड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख सकते ना, बिल्कुल लिख सकते। तो क्या टूटेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ना तुम एकदम दिमाग में बैठा लो, कभी भी साइन स्क्वायर आए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, फटाक से इसको तोड़ दो ए प्लस बी ए माइनस बी पे पी स्क्वायर। अब ये प्लस वाला ऊपर दो बार है, एक कट गया, देखो स्क्वायर काटा हमने, क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, आंसर तो आया नहीं। अब क्या है, सिर्फ कॉस अलग है पी अलग है, यानी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन ओमन लेके कॉस का वैल्यू निकालना होगा। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, अब अंदर ले लो पी स्क्वायर, बस इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, कॉस वाले को एक तरफ करते हैं क्योंकि कॉस कॉमन चाहिए, तो इसको इधर ला लो और 1 को उधर ले जाओ, समझ रहा है ना। तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, फिर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं इधर क्या बचेगा पी स्क्वायर, और ये 1 चला गया उधर तो माइनस 1, देख लो। तो ये स्टेप क्लियर है, ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम कॉस कॉमन ले लेंगे, देखो हमको कॉस चाहिए, अब यहां से कॉस कॉमन आ गया और तुम्हारा आंसर आ गया कॉस थीटा कॉमन, यहां क्या बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। अब ये चला जाएगा डिवाइड में, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और दिस इज डन। समझ रहा है, यहां से क्रॉस क्रॉस करके कॉस का वैल्यू चाहिए था हमको, ऐसा आ गया तो हम ऐसा ला सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, कहां फंसा जाता तुमको, शायद कुछ लोगों का दिमाग ही नहीं चलता करना क्या है, साइन कॉस में बनाओ, स्क्वायरिंग किया हमने, क्यों किया, क्योंकि पी स्क्वायर चाहिए, उसके बाद थोड़ा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, ये m का वैल्यू है और ये n का, और तुमको यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इतना चाहिए, तुम क्या करो, इसको रख दो यहाँ पे, इसको रख दो यहाँ पे, स्क्वायरिंग कर दो, एक ही बात है। चलो फिर LHS पकड़ लो, यहां से डायरेक्ट वैल्यू इसीलिए रख रहे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन मिला तो एक्स वाई वाला, उसमें डायरेक्ट नहीं था, पहले निकाला हमने, दिख रहा है ना थोड़ा अंतर है, ये इसमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो बच्चा कोई भी बच्चा यही करेगा, एम का वैल्यू पुटअप और एन का वैल्यू, तो LHS पकड़ लो, LHS आ रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम के जगह पर रख दो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा हेर फेर है, फिर प्लस इसको करो स्क्वायर, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, कुछ नहीं किया, वैल्यू रखे, अब आइडेंटिटी पे तोड़ो, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 लगा दो, और सेम सेम छापोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, सीक्वेंस में लिखो, यानी 2 फिर ab साथ में निकले, मल्टीप्लाई आगे पीछे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो इतना आएगा ना, हाँ 2ab, इसको तोड़ो, प्लस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जानबूझ के सेम लिख ले, ये कट गया, देखो सेम टू सेम था बराबर, ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा तो कटेगा ही कटेगा। अब उसके बाद नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, नीचे कुछ भी नहीं आएगा ना, ओह सॉरी नीचे कुछ नहीं आएगा, ये तो सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, कॉमन कॉमन लेना, देखो ये ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, समझा, इन दोनों में हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया। अब देखो इन दोनों को देखो क्या कॉमन है बताओ, बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सवाल खत्म, ये आ गया 1 यानी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 फिर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई 1 वही रहेगा, दिस इज योर RHS एंड डन। इसमें भी कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं गई होगी तुमको, बिल्कुल ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में नहीं आया है इसका मतलब इजी क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये देखो कितना इजी है, बस होल स्क्वायर करो तो बन जाता था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। साइन कॉस में बनाओ, आंसर पाओ। दिख रहा है साइन कॉस में चाहिए आरएचएस, तो एलएचएस पकड़ लो और चालू हो जाओ। देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस टैन को क्या लिखेंगे बताओ, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन क्यूब, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां एलसीएम ले लो, ऐसे बहुत बार मिला है तुमको पलटी वाला। यहां जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ओके। और नीचे आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बहुत बार ऐसा किया हमने, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, नीचे क्या आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो तुमको याद हो गया होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि हमको लगता है हर क्वेश्चन में मैक्सिमम आ ही गया है। दिख रहा है ये उल्टा है, इसका माइनस है और ये उल्टा है। देखो ये चीज बहुत बड़ा है, इसको पलटेंगे तो यहां माइनस साइन लगा देंगे। ये चीज आप ज्यादा समझाने लायक बचा नहीं है। क्या जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर वाले को ही पलटते हैं, ये माइनस हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर क्या आ रहा है देखो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी आइडेंटिटी लिखे थे ए माइनस बी यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर माइनस ए बी की प्लस ए बी, प्लस ए बी माइनस में प्लस होता है, कॉस इंटू साइन अपॉन में आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना बच्चो, यस ये कट गया, अब आंसर के करीब है। ये कितना हो गया वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, बस करते गए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज नहीं हुआ, नॉर्मल एलजेब्रा टाइप का है। रेसिप्रोकल करो, आइडेंटिटी कहीं लगा क्या इसमें, मेरे को दिख रहा है एक जगह बस ये वन बस। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर एलजेब्रा वाला स्टेप आता है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते बढ़ो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से बना लो। चलो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो ये है पी का वैल्यू, ये है क्यू का वैल्यू, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो तुमको अभी एमएन वाला क्वेश्चन जैसा ही है, ये पी के जगह पर रख दो, ये क्यू के जगह पर रख दो, सॉल्व करो बस, जिसमें डायरेक्ट वैल्यू उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो एलएचएस पकड़ लो, क्या आ रहा है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन, अपने को टू पी चाहिए, आ जाएगा क्यू के जगह वैल्यू डालो, क्यू के जगह डाला हमने सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कर दो माइनस वन कर दो। चलो इसको सॉल्व बस करना है, ये तो साइन कॉस बनाना पड़ेगा, दिख रहा है सब साइन कॉस में है। तो सेक क्या होगा वन बाई कॉस थीटा, कोसेक क्या होगा वन बाई साइन थीटा, ये आइडेंटिटी पे तोड़ो, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये माइनस वन, जम गया ये वन होगा और ये माइनस वन कट जाएगा, यहां क्रॉस करो, ऊपर आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या आ रहा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके बच्चों ठीक है। ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, वन से वन कट और तुम्हारा आंसर आ गया है एक स्टेप बाद, साइन प्लस कॉस और नीचे आ रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इससे कट गया, ये टू आ गया सामने यानी टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बट ये आंसर नहीं है, टू पी बोला है तो थोड़ा ऊपर से नजर दोहराओ, ये पी का वैल्यू है, साइन प्लस कॉस के जगह क्या लिख लेंगे पी, तो ये आ गया तुम्हारा टू पी इक्वल टू आर एच एस और ये बन गया, कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं किया हमने, वैल्यू रखो सॉल्व करो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये आइडेंटिटी है इधर और वो लाना है, ये है आपका एल एच एस, तोड़ो यार उठा के, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। कोई तो इसको वन बाई साइन लिख के सॉल्व किया होगा, वो भी बनता है, थोड़ा लंबा जाएगा, कुछ नहीं होता, प्लस टू ए बी टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये फायदा करेगा हम लोग को, ये वन हो जाएगा साइन इंटू कोसेक वन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, प्लस इसको देखो
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये बात समझा आपको कि ये और ये वन होगा कि नहीं समझा। साइन थीटा इंटू उसका उल्टा कोसेक कितना होता है वन। कैसे? ये होता है पी बाई एच और ये होता है एच बाई पी, काट लो वन आ रहा। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक है तो ये भी वन हो गया। चलो ये वन वन कर दो। और देखो ये साइन स्क्वायर का जोड़ी यहां बैठा हुआ है कॉस स्क्वायर, वन कर दे, कर दे क्या, एक स्टेप बचेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हटा के कितना रख दो वन। चलो वन इन दोनों के बदले, इसको छेड़ो मत, इसको छोड़ दो यार। टू वन जा टू, टू इंटू वन लिख के कोई फायदा नहीं है, फिर भी लिखो। ये गया, कहां गया, इन दोनों को मिलके वन प्लस सेक स्क्वायर बचा है हाउ, प्लस टू इंटू वन यहां पर भी हो गया। अब सारे नंबर्स को ऐड कर लो, टू वन जा टू, टू वन जा टू, समझ रहा है, दो और ये दो चार और ये पांच, चलेगा क्या डायरेक्ट थोड़ा। टू वन जा टू कितना होगा ना भाई, टू और ये टू, फोर और ये फाइव, नंबर नंबर ऐड। लेकिन आंसर को थोड़ा देखो और अपना आंसर देखो, अपना स्टेप देखो और उसको देखो। देख लिया क्या तुमने, देख लिया क्या बच्चों, नहीं देखे देख लो, ये देखो और वो देखो। यानी हमको कोसेक नहीं चाहिए, हमको कॉट चाहिए, ठीक है ना, कोसेक और कॉट आइडेंटिटी होता है। सेक नहीं चाहिए, टैन चाहिए। तो सबको याद होगा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो हमने जमा लिया यार, जम रख दो भड़ाक से वैल्यू, फाइव कोसेक को हटा के रख दो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक को हटा के क्या रख दो वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये वन और ये फाइव एड हो जाएगा, कितना आएगा सेवन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वाओ ग्रेट, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों चलो डन। चलो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पुराने समय में बहुत बार आया बोर्ड में, ठीक है, अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अब सबको आ गया याद। तीन टर्म है इसमें, ध्यान से देखना, साइन कॉस में बनाओ तो आंसर आ जाता है। देखो एलएचएस पकड़ लो, थोड़ा सा एक जगह ट्रिक है, जहां ट्रिक है वहां स्टार लगा देते, वो चीज समझना है तुमको। वन प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कोसेक को क्या लिखेंगे वन बाई साइन थीटा, ठीक है ब्रैकेट। फिर यहां पे वन प्लस टैन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक को क्या लिखेंगे वन बाई कॉस थीटा। ध्यान से देखना बच्चों, इसके अपॉन में साइन, इसके अपॉन में साइन, इसमें तो नहीं है तो इसको साइन से मल्टीप्लाई, यहां पे भी यहां कॉस, यहां कॉस, यहां नहीं है तो वहां मल्टीप्लाई, याद आ रहा है। यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन में कितना साइन थीटा, फिर यहां पे भी जाने दो तो क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा। बस अब यहीं पे ध्यान देना, यहीं पे मेन है, इसके बाद दिमाग नहीं चलता लोगों का। देखो ये ए है, देखो साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन एक ही होता है, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी जम रहा है, लेकिन तुम इस पूरे को ए मानो तो चलो हम यहां ब्रैकेट लगाते तुम्हारे देखने के लिए, नहीं भी लगाओ चलता है। पूरा ए है और ये बी है क्योंकि यहां साइन चेंज हुआ है, यहां दिख रहा है माइनस प्लस, तो ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए का स्क्वायर, ए कौन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू वन का स्क्वायर। नहीं लिखो यार, मत लिखो, कुछ लोग का आदत होता है एकदम छोटी छोटी चीजें लिखता है, अच्छी बात है, हम ये गलत नहीं बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। वन का स्क्वायर वन, अब ये टूट जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तोड़ो क्या आएगा साइन स्क्वायर प्लस, ये दस बार मिल गया अभी तक, कॉस स्क्वायर ये वन हो जाएगा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये माइनस वन, ये वन और वो वन गया साइन इंटू कॉस, ये कितना आएगा ये दोनों, देखो हम डबल अंडरलाइन करते हैं हर आइडेंटिटी को, ये आ गया वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बहुत अच्छे। ये वन से वन कट गया, क्या बचा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये आ गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, इस वैरायटी के हम लोग बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो ये गिवन है, ये लाना है और उसके बाद साइन कॉस निकालना है, थोड़ा अच्छा हो गया क्योंकि सिर्फ इतने पे क्वेश्चन खत्म नहीं किया, आगे भी बढ़ा इन्होंने। अभी हमने तुमको पढ़ाया था कोसेक कॉट वाला, साइन कॉस वाला, प्लस है माइनस चाहिए, प्लस है माइनस चाहिए, स्क्वायरिंग और कोई आइडिया नहीं है, स्क्वायरिंग करें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा
स्क्वायरिंग करके निकाल लो, नहीं तो एक और ट्रिकर, चलो स्क्वायरिंग करके निकाल दे क्या, नहीं तो एक और ट्रिकर देखो आइडेंटिटी लगा करके, ठीक है। तो भाई स्क्वायरिंग करके निकालो, यहां से ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी का वैल्यू निकाल लेना, टू ए बी का, और इसका कर रहा है स्क्वायरिंग तो इसमें आएगा माइनस टू ए बी, टू ए बी का वैल्यू रख देना आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा हम तुमको बता रहे, देखो आइडेंटिटी लगाओ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ, वन, ये तो याद होगा ना, कैसे, ये आइडेंटिटी है वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, इसको इधर ले जाए तो होता है जी। अब ये आइडेंटिटी तोड़ दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन इक्वल टू वन, सही है, तोड़ सकते बिल्कुल। अब इसमें वैल्यू रख दो इसका, और ये बहुत आसानी से आ गया, सेक माइनस टेन और इसके जगह रख दिए पी इक्वल टू वन, तो इधर चला गया, तो सेक माइनस टेन इक्वल टू आ गया, इसके बाद आ गया वन बाई पी, इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर वन। अब इसके बाद इसको देखो उसको देखो, साइन कॉस चाहिए, तो ये एक इक्वेशन बन गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तुमको एक्स और वाई पूछ लिए, मतलब सेक निकलेगा तो कॉस निकलेगा क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, टैन निकलेगा तो साइन निकलेगा क्योंकि इसमें आता है साइन बाई कॉस। तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड वन एंड टू, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जैसा, यानी सेक प्लस टैन, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू पी, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू वन बाई पी, एड करेंगे ये कट जाएगा, साइन चेंज नहीं होता है, सेक प्लस सेक टू सेक, टू सेक इक्वल टू पी प्लस वन बाई पी, बस सिंप्लीफाई करें, टू सेक, हमको सेक नहीं चाहिए, कॉस या साइन चाहिए तो सेक को कॉस बना लेंगे। अब यहां एलसीएम ले लो तो पी इंटू पी, पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी, अब इसको लिख दो टू, सेक को क्या लिख दो वन बाई कॉस, यानी अपॉन में कॉस, वन नहीं लिखेंगे, टू वन जा टू हो जाएगा, समझ रहा है ना। अब बल्ले बल्ले, अब रेसिप्रोकल पलट दो उठा के, कॉस चाहिए ऊपर नहीं तो क्रॉस कर लो जैसे भी, तो हम पलट देंगे तो जल्दी निकल जाएगा, देखो कॉस थीटा अपॉन टू इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, ये टू इधर चला जाएगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या, टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, दिस इज कॉस। अब साइन चाहिए, देखो तो साइन के लिए हम लोग टेन निकालेंगे, तुम खुद सोचो हम इन दोनों को एड किए तो सेक आ गया, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेन नहीं कटेगा सेक कटेगा, नहीं समझा, एड किए तो ये कटा, साइन चेंज करो तो ये नहीं कटेगा, यानी अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, देखो यहीं पर करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, सब्ट्रैक्ट वन एंड टू, तो लिखो वन लिखो पहले, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, फिर ये वाला लिखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन बाई पी, सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, यस, तो अब टेन नहीं कट रहा सेक कटा, टेन प्लस टेन टू टेन इक्वल टू पी माइनस वन बाई पी, यहां भी एलसीएम ले लो, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी, हमको टेन चाहिए नहीं तो टेन को बदल दो साइन अपॉन कॉस, बस कॉस का वैल्यू है काम हो जाएगा, इसको इधर भेज दो टू को भी इधर, तो साइन थीटा का वैल्यू बताओ, यार है कॉस थीटा मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस वन, ये टू इधर ला ले क्या, सिर्फ साइन चाहिए टू पी, ओके। अब कॉस का वैल्यू पुट कर दो, कॉस का वैल्यू कितना पुट कर दो, ये रखा हुआ है देखो, टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी, टू पी से टू पी कट, और दिस इज योर आंसर क्या, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, एंड दिस इज डन। आसान है, नहीं ऐसा आसान मत बोलो यार, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्या करा हमने, आइडेंटिटी लगाया तो ये वाला आ गया, उसके बाद एड और सब्ट्रैक्ट करें तो साइन और कॉस निकल गया, ओके बच्चों। चलो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, साइन कॉस में बनाओ आंसर पाओ, तो एलएचएस एनसीईआरटी है ये, कोसेक थीटा चलेगा, डायरेक्ट स्टेप करें, कोसेक को क्या लिखेंगे वन बाई साइन, हाँ कॉट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो अभी कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा किए हैं, देखना आगे, ऊपर आ गया एलसीएम वन प्लस कॉस और नीचे आ गया अपॉन साइन और स्क्वायर, यस तुमने अभी जरूर ऐसा किया था, अब स्क्वायर को स्प्लिट करो, ऊपर मत तोड़ना तो कटेगा, देखो हमने बोला था कि कभी भी ऐसा है ऊपर वन प्लस कॉस या वन माइनस कॉस नीचे साइन स्क्वायर, क्या करना है इसको तोड़ना है आइडेंटिटी पे,
ए प्लस बी वाला आ जाएगा। याद आ रहा है क्या? अगर तुमको याद है तो अच्छी बात है। साइन स्क्वायर लिख देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या होल स्क्वायर है सॉरी, ये टूटेगा ए प्लस बी। हम बोले तो इसको दिमाग में फिट करो यार, क्योंकि बहुत बार मिलता है, हमने देखा है। अभी आ गया वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर में नहीं छेड़ना है, क्योंकि हमको ऐसे ये दिमाग में फिट होना, नीचे साइन है, ऊपर वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस, तो नीचे ऐसे तोड़ेंगे। अभी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर वन को वन स्क्वायर जब चाहे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी वन प्लस कॉस और वन माइनस कॉस, डन हो गया, एक स्क्वायर कट गया। सेम क्वेश्चन हमने किया यार, हमको ऐसा भी लग रहा। अभी आंसर आया क्या? नहीं आया। सेक चाहिए, एक लाइन और भरो। कॉस आ गया सेक चाहिए, कॉस आ गया सेक चाहिए, तो सेक होता है वन बाई कॉस, तो क्या कॉस नहीं हो सकता वन बाई सेक? बिल्कुल उल्टा होता है एक दूसरे का, यानी इसके जगह रख दो या इसको सॉल्व कर लो तो भी आता है, जो करना है। वन प्लस कॉस को लिख दो वन बाई सेक थीटा अपॉन वन माइनस वन बाई सेक थीटा, ओके डन। या एलसीएम ले लो, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई सेक थीटा, इसमें भी इधर ले लो तो सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा, वाओ ये कट, एंड दिस इज योर आंसर। छोड़ देना, दिख रहा है आंसर, यानी कॉस पे जाकर रुकना नहीं, नहीं तो यहां से भी इसको सेक को वन आरएचएस सॉल्व कर लो एक लाइन, तो या तो एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस पहुंचो, या आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस पहुंचो, या दोनों सॉल्व करके कॉमन आंसर लाओ। तो ये डायरेक्ट भी आ रहे थे, कॉस पे आ रहे तो सेक पे जाना मत चूको, कॉस वन बाई सेक, सेक वन बाई कॉस, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार आपको रूप बदल बदल के दिखा है, चलो हम याद दिलाते हैं। एक साइन कॉस और वन वाला सवाल दिखा था, जिसको तुम डिवाइड करते थे कॉस से, फिर वो सेक टैन बन जाता था और आइडेंटिटी पुट कर देती। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, याद आ गया? तो ये क्वेश्चन ना बहुत बार, उसको तुम एकदम स्टेप बाय स्टेप करो, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं मिल सकता है वो। अब इन्होंने क्या किया, अभी डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? देखो ऑलरेडी सेक और टैन है, साइन कॉस होता तो डिवाइड करते हैं। अब यहां देख के लोगों को समझ नहीं रहा डिवाइड कैसे करें, अभी डिवाइड करना ही नहीं ना यार, डिवाइड करना ही नहीं है, डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेक और टैन है, ये एलएचएस है। डिवाइड कब करेंगे? जब साइन कॉस होगा। तो क्या करते हैं ऐसे सवालों में, वन के जगह आइडेंटिटी पुट करते, वो भी न्यूमिरेटर में, वन के जगह इन दोनों का आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी याद होगा? सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, राइट? याद हो गया होगा ना, कि बार बार लिख के बताया, याद होगा वन प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, नीचे कुछ नहीं करना अपने आप कट जाएगा। अब ये टूटेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, आदत हो गया होगा, इसको ब्रैकेट में घेर लो ताकि तुमको इजी जाए, ये इसको तोड़ो, सेक प्लस टैन, फिर एक और सेक माइनस टैन, नीचे में टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ओके देखो तो ये और ये सेम है, राइट कॉमन लाओ, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बाहर आ गया, यहां क्या बचा वन, फिर माइनस ये बाहर चला गया, ये बचा चलेगा डायरेक्ट, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, डायरेक्ट चलेगा ना? हाँ चलेगा, माइनस सेक और ये माइनस माइनस प्लस टैन, ध्यान देना एक एक चीज, अपॉन में क्या है, अपॉन में है टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, अब मिलाओ ऊपर नीचे सेम है कि नहीं, हाँ टैन प्लस में ये प्लस में, ये माइनस में ये माइनस में, ये वन कट, तो क्या बचा, ये बचा सेक प्लस टैन थीटा, ये आंसर है, नहीं है साइन कॉस है, बना लो। सेक को क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस, टैन को क्या लिखेंगे बताओ, साइन बाई कॉस। अब आ गया ऊपर वन प्लस साइन और नीचे आ गया कॉस, ओ आंसर ही नहीं मिल रहा यार, इन्होंने क्या किया कि इसको कर दिया थोड़ा सा सॉल्व आगे, तुम्हारा आंसर बदल दिए, बार बार हम यही चीज बदल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, कोई कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है भाई, तैयार रहो, ये समझ गया होगा ना, ये तो करा कराया जैसा है। अब इसको यहां कैसे पहुंचा है, दो रास्ते हैं, एक तो तुम इसको छोड़ के उसको सॉल्व कर लो, दूसरा रास्ता इसी को कर लो। अब ऐसे सवालों को कैसे करते, ध्यान सुनना, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस चाहिए, रेशनलाइज, समझ रहा है, रेशनलाइज इसी को करे कि इसको कर दे, बोलो किसको करना है, आरएचएस को करे कि एलएचएस को, एलएचएस को कर लेते, इसी को आगे बढ़ाओ, तो वन प्लस साइन
अपॉन कॉस, कभी भी ऐसा मिल जाए माइनस चाहिए ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, तो रेशनलाइज, वन प्लस साइन है तो ऊपर नीचे वन माइनस साइन से इंटू, देखो आ रहा है ऊपर, देखो ये याद हो गया होगा यार, अभी मिला था ए प्लस बी ए माइनस बी, अभी हम तोड़े थे, अभी जोड़ना है, ए प्लस बी ए माइनस बी मिला दो, ए का स्क्वायर यानी वन माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा, ओके डन, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक कॉस कट गया और जो बच गया वो तुम्हारा है आंसर, तुम इसको उल्टा भी समझ लो, और तुमको इससे ये लाना था तो ऐसे देखो ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर दो या वन प्लस साइन से इंटू कर दो, वन प्लस साइन नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर सही जा, और ऊपर आएगा वन प्लस साइन आएगा, नहीं समझा तो दोनों को इंटू कर लो वन प्लस साइन से, अगर तुम आरएचएस सॉल्व करना है तो कर सकते थे, मान लो यहीं तक छोड़ के आरएचएस सॉल्व करना है तो ये नीचे आएगा ऐसा, ये ऐसा फिर ये ऐसा, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ऊपर आएगा वन प्लस साइन इंटू कॉस, एक कॉस कट गया, ये देखो कैसा आ रहा है ना, तो यही चीज करते हैं लोग, कुछ भी चेंज कर देते हैं, तुमको घबराना नहीं है ठीक है, हो गया है क्वेश्चन, इधर से भी बना सकते हैं इधर से भी, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी आसान है, साइन कॉस में करो आंसर आ जाएगा, एलएचएस साइन को छोड़ दो, सेक को क्या लिख लेंगे बताओ, वन बाई कॉस, बाप रे कितने बार मिल गया यार, और ये कॉस कोसे को क्या लिख लेंगे वन बाई साइन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर को भी मत छेड़ो उधर भी स्क्वायर है, देखो ये इधर जाने दो यार, साइन ए इंटू कॉस ए, ओ थीटा लिख दिए कोई देखो, प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस ए, ओके डन स्क्वायर, प्लस इसको भी इधर जाने दो क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वन अपॉन साइन ए, तो कॉमन दिखना चाहिए ये और ये सेम है ना ऊपर का, हाँ बाहर खींचो सबको, ये पूरा उठा के लग दो बाहर, तो क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वन का होल स्क्वायर इज बाहर, यहां क्या बचेगा वन अपॉन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, प्लस यहां भी वन अपॉन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, क्रॉस कर दो यानी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वन का स्क्वायर, ये इधर कर दो तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर वाला वन हो गया और आंसर के करीब है, तो ऊपर आ गया साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वन का स्क्वायर, और यहां पे आ गया वन अपॉन, ये वन हो गया वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, अब इसको मिलाना है, क्यों मिलाना है होल स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर मत छेड़ना, तो होल ट्रेड क्या है मैं तुरंत रजिस्टर करता हूं, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मुझे सिर्फ 10 तो देखो ये वन हो गया, ये वाला वन हो जाएगा यस, तो वन लिख दो, ये नीचे देखो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, अब स्क्वायर मत छेड़ना क्योंकि देखो यहां पे भी स्क्वायर है यहां पे भी स्क्वायर है, अब सब इसको अंदर ला लो होल स्क्वायर बनाएंगे फिर स्प्लिटिंग करेंगे आंसर, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वन ठीक है अपॉन, लिख सकते ना वन से इंटू करो तो कुछ देन नहीं होगा, अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए और इसका पूरा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है लिख सकते ना, स्प्लिट करो आंसर देख लो, अब स्प्लिटिंग करो, ये इसके अपॉन में भी आएगा और ये इसके अपॉन में भी, यानी साइन ए इंटू कॉस ए का अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए प्लस वन के अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए का होल स्क्वायर, ये तो मर के वन हो गया, बस तुम्हारा आंसर देखो ये वन प्लस वन बाई कॉस क्या होता सेक, वन बाई कॉस साइन भी है तो क्या होगा कोसेक, और उसका होल स्क्वायर इज योर आंसर, ओके चलो दो क्वेश्चन और बच गया है, बस थोड़ी देर और बने रहे,
ये क्वेश्चन भी कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ करता था, कुछ ज्यादा भारी नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन तीसरी बार मिल रहा है। एम है, एन है और यहां ऐसा है, वैल्यू डाल दो। एल एच एस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एक काम करो, वैल्यू डालने से पहले एक काम करो, ए प्लस बी ए माइनस बी पे इसको तोड़ लो, थोड़ा इजी जाएगा, नहीं तो बाद में होल स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वैल्यू डालो, एम के जगह पर क्या डालेंगे, ये वाला टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस एन के जगह पर ये डाल दो टेन थीटा माइनस साइन थीटा, जम रहा है, यस। फिर एम, फिर से एम क्या आएगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, फिर माइनस टेन थीटा और ये प्लस, बताओ कौन 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 बता रहा है, क्यों, साइन चेंज, समझ रहा है ना। यहां माइनस लिखते हैं और यहां माइनस लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, हमने डायरेक्ट कर दिया, समझा। एन का वैल्यू ये है, यहां माइनस आएगा तो ये साइन प्लस हो जाएगा, यहां कौन कट गया टेन और यहां कौन कट गया साइन, टेन इंटू टेन टू टेन, साइन इंटू साइन टू साइन, सॉरी साइन प्लस साइन है, सॉरी देखना, तो टू टू जा फोर, टेन थीटा इंटू साइन थीटा इज एल एच एस का वैल्यू, नॉट आर एच एस इक्वल आया, एल एच एस आ गया। अब आर एच एस करते हैं, तो आर एच एस करते हैं, आर एच एस है फोर अंडर रूट एम इंटू एन, फोर अंडर रूट एम, एम कितना है बताओ, टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा एन, ये आइडेंटिटी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, बाप रे ट्रिग्नोमेट्री में तो हमको लगता है ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा है। ए का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर, यहां पे करते सब बच्चे गलती, यहां से बोलते टेन बाहर, यहां से साइन बाहर और इक्वल, गलत। क्या माइनस है तो बाहर आ सकता है, नहीं, तो कैसे करेंगे, ये मिटा दे क्या, कैसे करेंगे, बहुत आसान, देखना ध्यान से देखना कैसे करेंगे, टेन को बदलेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अब लेंगे कॉमन, क्या बात है। और तुम ऐसे नहीं करे, डायरेक्ट निकाले गलत, अब साइन स्क्वायर बाहर निकालो, तो साइन स्क्वायर कॉमन हो गया, देखो रूट के अंदर ही करो, यहां क्या बचा वन अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस वन, इसके बाद वन अपॉन कॉस को सेक लिख लो, सेक माइनस वन टेन होता है, एक तरीका, दूसरा ऐसे क्रॉस कर सकते हो, दूसरा क्रॉस कर सकते हैं, अगर दिमाग नहीं चला तो क्रॉस करो, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, बताओ वन माइनस कॉस स्क्वायर तो बच्चा भी जानता होगा, बताओ 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 क्या होता, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, वे बोल नहीं रहे हो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया बताओ, टेन स्क्वायर, इधर कर दे, फोर बाहर है, फोर बाहर है, अंदर आ गया साइन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, बोलो समझा, साइन बाई कॉस, अब एक एक बाहर आ जाएगा, फोर साइन स्क्वायर में साइन बाहर आ गया, टेन स्क्वायर में टेन बाहर आ गया, और ये बनाए से यहां पर होती है मिस्टेक तुमसे, और तुम बहुत सारे बच्चे करते हैं टेन बार साइन बार बोलते हैं आंसर, हट ऐसे नहीं होता, बीच में माइनस है। चलो लास्ट क्वेश्चन, चलो अंत भला तो सब भला, ये है लास्ट और ये है बहुत आसान, ये एम है ये एन है, वो लाने का धराक से उठा के वैल्यू पटक दो, एल एच एस में आर एच एस पालो, एल एच एस है तुम्हारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर नीचे में मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर बीटा, चलो एम स्क्वायर करो, ये एम है इसका स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, इन्होंने अल्फा बीटा में देखना गलत मत कर देना, बहुत कंफ्यूजिया दिया इन्होंने, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा और बाहर है कॉस स्क्वायर बीटा, अब क्रॉस क्रॉस खेलना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग है, ये इधर चला जाएगा ये इधर, इधर आएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा सॉरी साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये इधर जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और यहां मल्टीप्लाई में भी है कॉस स्क्वायर बीटा बीटा, ये बीटा से बीटा गया मर, अब कुछ कॉमन है क्या, यस यही तो सवाल बनवाएगा, क्या कॉमन हो गया बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा इज कॉमन, क्या बचेगा यहां पे, साइन स्क्वायर बीटा बचेगा यहां पे, प्लस यहां क्या बचेगा,
कॉस स्क्वायर बीटा, देखो ये दोनों बीटा बीटा है, सेम है, वन हो जाएगा, जम गया, ये हो गया वन, दिख रहा है ये वन हो गया, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे बचा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू वन, सॉरी बीटा। अब एन स्क्वायर चाहिए, देख लो ये एन का स्क्वायर है क्या, हाँ ये देखो एन है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये वन लिख के कोई फायदा नहीं है, आ गया किसके बराबर, एन स्क्वायर, तो ये होता है खत्म। वाओ बहुत अच्छा लग रहा होगा, 33 क्वेश्चन कर दिया हम लोगों ने, बाप रे टू मच, 33 क्वेश्चन भी अच्छे वाले भाई, टाइम पास वाले नहीं। तो इसके बाद आप एक कमेंट करो यार, लास्ट तक वीडियो तुम देख रहे हो तो कमेंट करो, क्या कमेंट करोगे आप ग्रुप में करो जाके कमेंट, कि आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आपके पास दो चॉइस है, एक कि हम लोग लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल और रियल नंबर का असाइनमेंट करें, शायद रियल नंबर का कर लिए नहीं, तो पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन का असाइनमेंट करें और उसके बाद टेस्ट दें, चॉइस नंबर वन। चॉइस नंबर टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट दें, असाइनमेंट हो गया है। चॉइस नंबर थ्री एसिड बेस सॉल्ट पढ़े, कितने चॉइस है, थ्री, आप बताओ क्या करें, आप जो बोलोगे वो हम करेंगे, हम आपके हिसाब से चलते हैं, आपको पता ही होगा। चलो बच्चों तो मिलते हैं, यानी मिलते रहते हैं अक्सर हम आपसे, तो गुड लक, और बता दो क्या करना है आगे, वही करेंगे अपन। ओके बाय बाय।